नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष चौधरी और आप लोग देख रहे हैं आशु फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीटोकोनाजोल सोप के बारे में। सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। कीटोकोनाजोल सेट्रीमाइट का जो सोप आता है, कीटो सोप, कीटोलाइट सोप, ये सब इसके ब्रांड नेम है। इसकी सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है कीटोफ्लाई सोप जो कि लिफोर्ड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। लिफोर्ड कंपनी का ये जो है कीटोफ्लाई सोप है जो कि आपको मार्केट में 110 रुपये के आसपास देखने को मिलती है इसकी प्राइस। अब हम जानते हैं इसके फार्मूले के बारे में और ये कैसे काम करता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, कीटोकोनाजोल और सेट्रीमाइड, इसका जो फार्मूला है, कीटोकोनाजोल जो है ये 2% वेट बाई वेट है और सेट्रीमाइड जो आपका है ये 0.5% होगा शायद, मे बी जी 0.5% वेट बाई वेट। तो आपको इसको ख़रीदने से पहले आपको जो है इसकी एक्सपायरी अवश्य देख लेनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कीटोकोनाजोल है ये एक प्रकार से एंटी फंगल है, ये इमिडाजोल क्लास का एंटी फंगल है और सेट्रीमाइड जो है एक एंटीसेप्टिक क्लास की ड्रग। तो खास करके इसका जो है इस्तेमाल स्किन इरिटेशन एंटी फंगल के तौर पे, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो जिसको हम दांत बोलते हैं, या फिर सोरायसिस हो गया हो, उस कंडीशन में जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्किन पे रेडनेस आ गई हो, इचिंग हो रही हो, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एंटीसेप्टिक, इसमें सेट्रीमाइड भी मिला हुआ है जो कि ये बैक्टीरिया या फिर फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और स्किन को हमारे क्लीन रखने में मदद करता है। अब हम जानते हैं कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कीटोकोनाजोल का, ये कैसे काम करता है। तो कीटोकोनाजोल जो आपका एक कंपाउंड है, ये इमिडाजोल क्लास का एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स है, आपको मैंने पहले बताया है। तो इमिडाजोल क्लास का ये एंटीफंगल है जो कि जो हमारे फंगस होते हैं जो बॉडी पे डिजीज काज करते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस सेल मेम्ब्रेन में जो है इर्गोस्टेरॉल एक कंपोनेंट होता है, उसका की कंपोनेंट इर्गोस्टेरॉल होता है। तो कीटोकोनाजोल क्या करता है, उस इर्गोस्टेरॉल को ही इनहिबिट कर देता है, उसके सिंथेसिस को नहीं होने देता है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, जिससे जो है उसका सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है और जो फंगस है वो आसानी से डेथ कर जाता है या फिर वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाता है, अपनी जनसंख्या को वृद्धि नहीं कर पाता है, जिससे जो है जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फेक्शन हुआ है फंगल हमारे बॉडी में या फिर स्किन में, तो उसको जो है ये क्योर करने में हेल्प करता है। ये हम टॉपिकल की बात कर रहे हैं। और अगर ये सिस्टमिक तौर पे कीटोकोनाजोल का टेबलेट भी आता है तो ये सिस्टमिक तौर से अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है तो सेम मैकेनिज्म एक्शन उस प्रकार से वहाँ भी कॉज करता है। तो फ्रेंड्स, सेट्रीमाइड की बात करते हैं तो सेट्रीमाइड एक प्रकार से एंटीसेप्टिक है जो कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पर या फिर सर्फेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है और ये बैक्टीरिया के या फिर फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और हमारे स्किन को क्लीन रखने में हेल्प करता है। अब हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल आपको जो है आपको गर्दन से नीचे ही करना उचित रहता है, क्योंकि कीटोकोनाजोल या फिर सेट्रीमाइड ये आई कॉन्टेक्ट में नहीं आने चाहिए। आई कॉन्टेक्ट में आने से आई में इरिटेशन पैदा हो सकता है, आपकी आई में रेडनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है और पेन हो सकता है। तो इसलिए आप जो है गर्दन से नीचे ही इस सोप का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है तो आपका फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब करेगा, फिर आपको वो बताएगा कि आपको ये सोप लगाना है या नहीं लगाना है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपको स्किन में इरिटेशन हो सकता है, स्किन पे
रेडनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। कोई ख़ास साइड इफेक्ट इसका नहीं है, तो आप इस सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।